गुरु पूर्णिमा भारत देश में सांस्कृतिक इस तरह का पर्व है कि गुरु की महिमा को बहाता है। जैसे कहा है, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। अर्थात गुरु जो है हमको ईश्वर से मिला देता है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। अब आप ये बताइए बहन जी, हाँ, कि गुरु किसे कहेंगे? गुरु जो अपने को मार्गदर्शन बताता, हाँ, हो, पथ पे लाता हो, गलत रास्ते पे अपन चल रहे हो तो अपने को सही रास्ता बतावे का, आप ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो वो अपने को राय, अच्छी राय। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति है, आदर्श भले गुरु छोटा हो, नहीं भले छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन वो अपने को ज्ञान की कोई बात दे रहा हो तो उसको ये मत सोचो छोटा है या वो बड़ा है, उसकी बात आप समझ लो, मान लो और उस बात के ऊपर आप अमल करो। मतलब उसका चरित्र भी अनुकरणीय होना चाहिए, उसका चरित्र पे मतलब वो आपको ज्ञान दे रहा है तो उस पे मतलब चरित्र उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो उस पे नहीं जाना, हाँ, वो आपको ज्ञान उसकी बात पे जाओ, उसके बैकग्राउंड पे मत जाओ। जैसे वो भविष्य में पहले कुछ भी करके आया हो लेकिन आज की तारीख में वो आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है तो आप उस शिक्षा को मानो। सही बात है। अच्छा अब आप जो है अपन इस चर्चा करेंगे कि गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में, मतलब हम गुरु क्यों बनाए, ये गुरु क्यों रखे हैं? गुरु रखना इसलिए ज़रूरी है, गुरु बनाने से अपने को ज्ञान देते हैं और अपने मतलब वो हो जाता है, अपने पथ दर्शन कराएगा वो, और अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, वो अपने से आगे प्रेरणा देते रहते हैं। अक्सर गुरु व्यक्ति अनुभवी होता है, अनुभवी होता है, वो अपने को प्रेरणा देगा, प्रेरणा देगा अनुभव से, उसके अनुभव से जो हम अपने प्रेरणा ले पाते हैं। हाँ, और साथ ही गुरु के जो है वो कार्य को भी सही सफल करने में मतलब मदद बहुत बहुत मदद करता है। और अपने ना वो जरूरी नहीं कि अपने सामने ही वो गुरु, अपने से आंख बंद करके करे, एक गुरु मेरे को सद्बुद्धि दो और मेरे को कुछ प्रेरणा का रास्ता बताओ, तो वो सर्वसमर्थ है गुरु। गुरु ही पूजा है, गुरु ही सर्वस्व है, सब कुछ गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु देवो, गुरु मय, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा मतलब रचयिता है संसार, हाँ, गुरु विष्णु है अर्थात पालन करता है, हाँ, और मतलब साक्षात पर मतलब महादेव है अर्थात विनाश के तरफ जाने से रोकता है। इसलिए जो है हमें गुरु को महत्व महिमा है, महिमा है। इसी साथ मतलब गुरु के लिए जो है ना हम एक और बात चाहेंगे, हाँ, कि आप गुरु जब बनाएं, हाँ, तो किस सावधानी से बनाएं, कितनी उसका मतलब कितनी उससे लगाव रखें। देखो गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए, और गुरु भले लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन दूरी अपने आप में बना के रखनी चाहिए, ज़्यादा गुरु के पास घुसना नहीं चाहिए, खाली आप उसकी बात के ऊपर अनुकरण करो, और उनकी अवहेलना कोई करता हो तो आप अवहेलना उसकी बात को सहन मत करो, वापस आप बोलो मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ सर्वसमर्थ है, तो आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, उसकी आप बुराई मत सुनो, बुराई भी मत सुनो, और उसकी मन में पूरी श्रद्धा पूरी श्रद्धा के विश्वास के साथ आप करो, उसने मतलब, हाँ, जो है ना इसी के ऊपर मैं एक भजन बोलती हूँ गुरु का, दूध लावे तो काना जाडो गाडो लावजे न तलो दूध जमेला कोनी, गुरु बिना ज्ञान मिलेला कोनी, गुरु बिना ज्ञान मिलेला कोनी, मातक सास ससुर की उम्मत जाने, सास ससुर की उम्मत जाने, मात पिता बिना सरे कोनी,
पतलो दूध जमेला कोनी, दूध लावे तो काना गाड़ो गाड़ो लावे, पतलो दूध जमेला कोनी, गुरु बिना ज्ञान मिले ला कोनी, बाई बिना तो सरे ला कोनी, साला बिना तो सरे लाजी, बाई बिना तो सरे ला कोनी, पतलो दूध जमेला कोनी, गुरु बिना ज्ञान मिले ला कोनी, साल्या जी सुहेत काना थोड़ो थोड़ो राख जे, सालो जी साल्या जी सुहेत काना थोड़ो थोड़ो राख जे, बेना बिना तो सरेला कोनी, गुरु बिना ज्ञान मिलेला कोनी, गुरु बिना ज्ञान मिलेला कोनी, सतसंग में तू जाया कर, सतसंग में तू जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर, गीत गुरु का गाया कर, गुरु बिना मुक्ति गैलला कोनी, पतलो दूध जमेला कोनी, गुरु बिना मुगति मिलेला कोनी, पतलो दूध जमेला कोनी, दूध लावे तो काना गाड़ो गाड़ो लावे, पतलो दूध जमेला कोनी, गुरु बिना ज्ञान मिलेला कोनी। बहुत सुंदर। अब आपने जो ये गुरु मतलब दूध जमाने की बात है, संसार में जो है ना हम जम के रहे सुखी रहे, पानी की तरह लहर मत जाओ। हाँ, मतलब जो है ना जो भी जमा के गुरु को बनाओ, जो भी ज्ञान लेना है उस ज्ञान को प्योरिटी में लीजिए, मतलब शुद्धता में लीजिए, और अपने घर परिवार के बिना कहीं अपने कहीं को फोड़ नहीं मिलेगा। अपन सोचते ससुराल वाले सब जने मिल जाएंगे और मैं उनके साथ निभा लूंगा, लेकिन अपने माता पिता भाई बहन इनके बिना आपकी कोई जगह नहीं है, उनके बिना आपको कहीं कहीं तो अटकाव आएगा, और गुरु के बिना अपनी कहीं मुक्ति नहीं है। गुरु के बिना जो है आपको मार्गदर्शन, मुक्ति का मतलब आप क्या कहेंगे? मुक्ति का मतलब गुरु अपने को ऐसा ज्ञान देते हैं ताकि अपने भविष्य में भगवान का नाम लेते रहो, और 84 लाख योनिस में वापस अपने को नहीं आना पड़े, और अपनी जीवन का जीवन मरण मुक्ति हो जाए। बहुत सुंदर जो है, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया गीता बहन जी, आपका आभार है। यदि आप सब ने भी इस चर्चा को देखा और देख करके आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जरूर करेंगे सर। थैंक यू।